आज हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है आप पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। ठीक है, और वो गतिशील हैं एक्स अक्ष के अनुदिश, अराउंड द एक्स एक्सिस दोनों चल रही हैं। तो t इज इक्वल जीरो समय पर जो a नाम के ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन x a नॉट से दर्शाई गई है, यानी x इज इक्वल जीरो से इतनी दूरी पर x a नॉट इतनी दूरी जो है x a नॉट है, और b वाला जो है वह x b नॉट पोजीशन पर है t इज इक्वल जीरो समय पर। तो एट t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, the position of object B in relation to या relative to object A is equal to क्या होगा, मतलब B की स्थिति A की तुलना में कहाँ है। तो देखिये X A नॉट पोजीशन पर है और B जो है X B नॉट पोजीशन पर है, तो A जो है ये देखिए दोनों एक ही लाइन पर है लेकिन अलग अलग दिखाने के लिए मैंने अलग अलग लाइन कर दिया है। तो B एक्चुअली यहाँ पर है और A यहाँ पर है, यहां से यहां तक X A नॉट है, यहां से यहां तक X B नॉट है। ठीक है ना, तो ए क्या बोले बी साहब आप कितनी दूरी पर हैं, तो कहेगा कि द पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो माइनस द पोजीशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर दोनों के बीच में गैप इतना है, और ए बोलेगा कि बी साहब आप हमसे कितनी पोजीशन पर है, एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट। देखिए यहां से यहां तक एक्स ए नॉट है और यहां से यहां तक जो है एक्स बी नॉट है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट। ठीक है, ओके। अब ये यह जो है ऑब्जेक्ट ए जो है वी ए रफ्तार से कॉन्स्टेंट रफ्तार से जा रहा है और बी वाला ऑब्जेक्ट किस रफ्तार से जा रहा है, वी बी रफ्तार से जा रहा है। टी इक्वल जीरो पर ए यहां है, टी इक्वल जीरो पर बी यहां है, कुछ समय बीतने देते हैं, समय कितना बीतने देते हैं, टी समय बीतने देते हैं। ठीक है, तो टी समय में ये ए जो होगा कितना चल लेगा, वी ए इंटू टी चल लेगा। अब ए की नई पोजीशन होगी एक्स ए टी। अच्छा, यहां देखिए बी कितना चल लेगा, वी बी इंटू टी है, डिस्टेंस मूव्ड आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। तो टी समय का टाइम इंटरवल दिया जा रहा, वेलोसिटी वी बी है यूनिफॉर्म, तो इतना चल लेगा वी बी इंटू टी। इस समय नया पोजीशन क्या है, एक्स बी इंटू टी है, एक्स का जीरो यहां पर है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो एक्स बी टी होगी और यहां पर यहां से यहां तक पोजीशन एक्स ए टी होगी। ठीक है, तो एट टाइम टी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी कितना है, इज इक्वल टू बी की पोजीशन जो है एक्स बी टी है, और एक्स बी टी को आप क्या लिख सकते हैं, यह प्लस यह लिख सकते हैं। तो यह एक्स बी नॉट मतलब जीरो समय पर जो पोजीशन थी प्लस कितना चल गया, बी बी इंटू टी। ठीक है, और एक्स ए टी ऑब्जेक्ट ए का टी समय पर पोजीशन क्या है, एक्स ए टी है, और एक्स ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए नॉट टी इक्वल जीरो पर जो पोजीशन है देखिए एक्स ए नॉट और प्लस कितना चला है, वी ए इंटू टी। तो दिस इज इक्वल टू एक्स ए नॉट प्लस वी ए इंटू टी। ठीक है, तो टी समय पर ए यहां है और बी यहां पर है, ए की पोजीशन जो है एक्स ए टी है, बी की पोजीशन एक्स बी टी है, लेकिन अगर ए अगर बी की स्थिति को बताना चाहे तो क्या बताएगा, बोलेगा कि भाई हमसे ये इतना ही दूरी है और इतना ही दूरी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा। तो द पोजीशन
ऑफ बी एट टाइम टी रिलेटिव टू ए इज कितना हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी हो जाएगा। देखिए एक्स बी टी या इतना है और एक्स ए टी इतना है तो ये कितना हो जाएगा एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, इतने में से इतने को अगर काट देंगे तब इतना मिल जाएगा ठीक है। लेकिन एक्स बी टी क्या है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एट टाइम टी हम लोगों ने देखा है या एक्स बी नॉट प्लस वी बी इंटू टी है और माइनस एक्स ए टी क्या है या एक्स नॉट ए माइनस वी ए टी माइनस क्यों हो गया क्योंकि माइनस यहां पर है ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी टी नॉट माइनस एक्स ए नॉट है ना प्लस ये इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए वी बी माइनस वी ए इंटू टी। तो द पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट ए है ना इज इक्वल टू दिस मच हो गया ठीक है। तो टी इक्वल जीरो समय पर गैप इतना है दोनों के बीच में टी इक्वल टी समय पर गैप इतने के बराबर है और दे आर कनेक्टेड बाय दिस फार्मूला ठीक है। तो चलिए हम टी इज इक्वल टू एक सेकेंड लेते हैं तो एक सेकेंड बाद एक्स बी वन सेकेंड माइनस एक्स ए वन सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू वन ठीक है। तो एक सेकेंड बाद जो है जो जीरो समय में जितना बी ए से आगे था उसमें इतना जुट गया वी बी माइनस वी ए क्या है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ठीक है। टी इक्वल टू दो सेकंड ले लिया जाए दो सेकंड पर दोनों की स्थितियों में गैप बी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ए क्या होगा दो सेकंड पर तो जीरो टाइम पर जो पोजीशन है ठीक है का डिफरेंस एक्स ए नॉट प्लस यहां पर क्या हो जाएगा टी की जगह टू करेंगे तो इंटू टू आएगा लेकिन हम लिखेंगे अलग ढंग से कैसे वी बी माइनस वी ए और प्लस वी बी माइनस वी ए मतलब टू इंटू वी बी माइनस वी ए को मैंने ऐसे लिखा है। अब टी इक्वल थ्री सेकेंड पर अगर ले लिया है तो थ्री सेकेंड पर वी बी माइनस एक्स ए थ्री इज इक्वल टू एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट इसको थ्री से मल्टीप्लाई करने की वजह तीन बार लिखेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा ठीक है। प्लस वी बी माइनस वी ए प्लस वी बी माइनस वी ए तो देखिए ये टी इज इक्वल टू एक सेकेंड पर दोनों के बीच में गैप कितना है ए जो है बी की क्या पोजीशन बता रहा है वो एक्स बी वन माइनस एक्स ए वन बता रहा है और वो जो जीरो टाइम है उसमें इतना जोड़ने पर मिल जाएगा। दो सेकेंड पर देखिए यहां से यहां तक तो एक सेकेंड पर जो गैप है उसमें फिर वी बी माइनस वी ए जोड़ दिया गया तीन सेकेंड पर जो दो सेकेंड में गैप है उसमें वी बी माइनस वी ए जोड़ देने पर मिल जा रहा है यानी प्रत्येक सेकेंड के बढ़ने पर उनके बीच में गैप में चेंज कितना हो जा रहा है वी बी माइनस वी ए। दूसरे शब्दों में ए से अगर पूछा जाए कि बी पर सेकंड कितना आगे हो जा रहा है या बी की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में पर सेकंड कितना चेंज हो जा रही है बताइए तो बोलेगा कितना वी बी माइनस वी ए के बराबर हो जाएगी हर एक सेकंड में ठीक है। तो जो ए ऑब्जर्व कर रहा है बी की पोजीशन के चेंज होने की रेट वह क्या है वी बी माइनस वी ए है ठीक है। जो ए ऑब्जर्व कर रहा है बी के बारे में कि पर सेकंड कितना इसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है तो ये कह रहा है कि वी बी माइनस वी ए के बराबर बदलाव हो जा रहा है पोजीशन में किसके बी के किसके द्वारा देखा जा रहा है ए के ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर मैंने पिछले टर्म पर बताया था जो ऑब्जर्वर वस्तु मूविंग वस्तु के बारे में जो उसके वेलोसिटी के बारे में अपना व्यू देता है वो क्या होता है उस वस्तु का रिलेटिव वेलोसिटी होता है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। यहां पर मैंने ऑब्जर्वर ए को रखा है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है बी ठीक है। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन हर सेकंड कितनी चेंज हो रही है वी बी माइनस वी के बराबर क्यों देखिए टी इज इक्वल टू जीरो पर दोनों के बीच में गैप जो है एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट है
टी इज इक्वल टू एक सेकंड पर कितना हुआ, जो जीरो टाइम पर गैप है एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट, उसमें वी बी माइनस वी ए के बराबर बढ़त हो गई। फिर टी इज इक्वल टू दो सेकंड पर, जो एक सेकंड पर जो गैप है उसमें फिर वी बी माइनस वी ए के बराबर बढ़त हो गई। फिर तीन सेकंड पर, जो दो सेकंड पर बढ़त है उसमें क्या है, वी बी माइनस वी ए के बराबर फिर बढ़त हो गई। तो ए का कहना है कि भाई बी तुम्हारी पोजीशन जो है पर सेकंड मेरे रेस्पेक्ट में बदल जा रही है कितनी, वी बी माइनस वी ए। तो दिस इज व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अच्छा बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैसे निकलेगा, ये बिल्कुल वी ए माइनस वी बी से मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो दिस वाज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा और सुधार करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल, ये जो इक्वेशन है आप इसको इक्वेशन को स्टार नाम दे दीजिए। तो स्टार नाम की इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये वी बी माइनस वी ए इसको उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी है ना माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। तो ये क्या है, गैप है टी समय पर और ये दोनों के बीच में गैप कितना है, जीरो टाइम पर। तो गैप में कितना अंतर हुआ टी समय में, टी समय में जो भी अंतर हुआ वो इतना बराबर हुआ, तो एक सेकंड में कितना हुआ, दिस बाय दिस है टाइम इंटरवल। तो वही डेफिनेशन निकल आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। यहां पर जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप में चेंज के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको दे देगा। ठीक है, ओके, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि ए जो है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आगे जा रहा है और बी जो है 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से अगर आगे जा रहा है तो व्हाट इज, दिस इज योर वी ए एंड दिस इज इक्वल टू वी बी। What is the relative velocity of B with respect to A? This is equal to velocity of B minus velocity of A. दोनों same direction में, तो इसी direction को मैंने positive मान लिया, तो velocity of B is equal to 15 minus 10 is equal to 5 meter per second. यानी A को B लगेगा कि 5 meter per second की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 है और ये माइनस 15 है, दिस विल गिव यू माइनस 5 मीटर पर सेकंड। लो भैया बी वाले को लगेगा कि ए वाला चल रहा 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लेकिन माइनस डायरेक्शन में पीछे जा रहा है, बी वाला ए के दृष्टिकोण में बी वाला आगे जा रहा है और बी के दृष्टिकोण में ए वाला क्या है पीछे जा रहा है। एक्चुअली जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर बात करता है तो ऑब्जर्वर अपने आप को कैसा मानता है, रेस्ट में मानता है। ठीक है ना, तो ये अगर अपने आप को रेस्ट में मान ले तो बी के बारे में ये ए कहेगा कि ये पर सेकंड जो है 5 मीटर की जो है गैप आप क्रिएट करते चले जा रहे हैं, तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मी 5 मीटर पर सेकंड। और बी अपने आप को रेस्ट में मान ले तो ए के बारे में कहेगा भाई 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप पीछे जा रहे हो, तो आपके रिलेटिव वेलोसिटी माइनस 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल ट्रीटमेंट भी इसको देखते हैं देख करके। ठीक है, ग्राफिकली देखिए तीन स्थितियों में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। यहां पर देखिए हमने पोजीशन प्लॉट किया और इधर क्या है टाइम मैंने प्लॉट किया, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5 6 सेकंड। उसी तरह से इस ग्राफ के लिए भी टाइम है, इधर इधर टाइम है, इधर पोजीशन है 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर। तो ये चार ग्राफ है, चार स्थितियां हो सकती है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ए की रफ्तार क्या है 10 मीटर पर सेकंड, बी की रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड। किसकी रफ्तार ज्यादा है, बी वाले की, किसकी कम है, ए वाले की। टी इज इक्वल जीरो पर पोजीशन बी की क्या है 10 मीटर है और टी इज इक्वल जीरो पर ए की पोजीशन कितना है 20 मीटर है। तो
टी इज इक्वल जीरो टाइम पर आगे कौन है, ए है, और पीछे कौन है, पीछे कौन है, बी है, ठीक है। टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पर बी कहां पहुंच गया, बी की रफ्तार है 15 मीटर पर सेकेंड, तो बी 10 को तो पहले है ही, 10 से इसमें 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर पहुंच गया। और ए कहां पहुंच गया, 10 ये 20 पर पहले ही 10 और चल गया तो 30 मीटर पर पहुंच गया। तो पहले देखिए गैप कितना था, 20 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर का। अब यहां देखिए 25 माइनस 30 कितना हो गया गैप, 5 मीटर का हो गया। अब फिर टी इक्वल 2 सेकंड पर दोनों जो है 40 मीटर पहुंच गए, गैप कितना हो गया, गैप हो गया 0 मीटर। अब फिर टी इक्वल 3 सेकंड पर क्या हो गया, इनके बीच में गैप अगर आप निकालें तो ये 5 मीटर का आएगा। मतलब यहां पर क्या था, बी जरूर पीछे था लेकिन बी की रफ्तार ज्यादा थी, है ना, ए आगे जरूर था लेकिन ए की रफ्तार कम थी। तो शुरू में क्या हुआ, दोनों के बीच का गैप भर गया, ठीक है, ए को लगे कि बी उसके पीछे चला आ रहा है, ठीक है, तो ये गैप भर गया। और फिर उसके बाद क्या हो गया, बी ओवरटेक कर लेगा टू ए, तो ए को लगे कि बी क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये स्थिति हो सकती है। अब यहां पर दोनों की रफ्तार क्या है, बराबर है, तो पोजिशन टाइम ग्राफ जो खींचा जाता है उसका स्लोप आप जानते हैं कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों क्या हो गए, इसका स्लोप समान हो गया क्योंकि वेलोसिटी क्या है, ज्यादा कम नहीं है, बराबर बराबर है। तो अब ये पैरेलल हो गया, तो टी इक्वल 0 सेकंड पर उनके बीच में गैप जो है 10 मीटर का है, टी इक्वल 1 सेकंड पर भी गैप 10 मीटर का है, टी इक्वल 2 सेकंड पर भी गैप क्या है 10 मीटर का है, यानी ए को लगेगा बी चल ही नहीं रहा है, बी को भी लगेगा ये नहीं चल रहा है क्योंकि उनके बीच में गैप का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। यहां ध्यान रखिएगा कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि केवल ऑब्जर्वर और वस्तु है और सराउंडिंग में सारी चीजें गायब है, क्योंकि अन्य चीजों से अगर रिलेट करेंगे तब हमेशा आपको वेलोसिटी महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो केवल संसार में केवल वही दोनों वस्तुएं मान ली जाएंगे, तब तब जो एहसास करेंगे वही रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। यहां पर देखिए तीसरे केस में ए की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है और बी की जो है 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। देखिए पॉजिटिव वेलोसिटी सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी, लेकिन यहां हम उदाहरण बदलेंगे, यहां पर माइनस 5 मीटर पर सेकंड ले लेंगे बी वाले के, इसको हम समझाएंगे बाद में। यहां पर देखिए क्या हुआ, ए 10 मीटर पर था, बी क्या 20 मीटर पर था, ए की रफ्तार ज्यादा है और बी की रफ्तार क्या है कम है, तो टी इक्वल 0 सेकंड पर जो है ए और बी के बीच में गैप 10 मीटर का है, एक सेकंड के बाद क्या हो गया 15 मीटर का हो गया, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर का हो गया, 3 सेकंड के बाद 25 मीटर का हो गया, तो ये गैप बढ़ता क्यों चला जा रहा है, क्योंकि ए की रफ्तार ज्यादा है और बी की रफ्तार कम है, इसलिए बी पिछड़ता चला जा रहा है और ए आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर इस तरह से पोजिशन टाइम ग्राफ आती है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक की वेलोसिटी ज्यादा है और एक की वेलोसिटी कम है, ठीक है, ओके। अब यहां पर मान लीजिए कि एक वस्तु ए नाम की वस्तु इधर से इधर आ रही है, ठीक है, हम सॉरी ए की रफ्तार जो है इधर से इधर है तो ए 10 मीटर पर सेकंड है, और बी जो है बी उधर से इधर आ रही है, तो इधर से इधर पॉजिटिव है तो उधर से इधर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो बी की वेलोसिटी जो है माइनस 5 मीटर पर सेकंड मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बी बी वाली जो है पहले उधर है, तो मान लीजिए 40 मीटर, ये 35 मीटर पर है, 35 मीटर पोजीशन पर है, और टी इक्वल 0 पर जो है यह ए जो है किस पोजीशन पर, 20 पर है, तो जब वो इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर जा रहा है तो उनके बीच में गैप क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। इस समय टी इक्वल 1 सेकंड पर क्या हो गया, 0 हो गया, फिर उसके बाद गैप क्या होने लगा, बढ़ने लगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो उनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो शुरू में जो है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनके बीच में गैप घटता हुआ और फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ता हुआ महसूस होगा। तो ग्राफ को देख करके या फिर आप एक रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहाँ पर ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है, निगेटिव होगी, ठीक है, और बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है। यहाँ पर देखिए इसका स्लोप ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, तो
ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी पॉजिटिव होगी और बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ओके, ये तो हमेशा ये फीचर होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है गैप बढ़ता हुआ महसूस होगा, है ना। यहाँ पर पहले गैप घटेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर कोई अगर इस तरह का ग्राफ दे देता है और पूछता है कि क्या आप उनके रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कह सकते हैं, है ना, जिनके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से, तो आप कहिए कि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, पहली बात। ठीक है, कौन विपरीत दिशा में चल रहा है, बी और ए दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और विपरीत दिशा में चला तो पहले कुछ गैप था, वो गैप घट करके जीरो हुआ, फिर उसके बाद ये गैप क्या होगा, बढ़ने लगा। ठीक है, ओके, यहाँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.9 अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा जा रहा है टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द ए पार्ट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी पार्ट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड सी पार्ट वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विथ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय द ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दो ट्रेनें हैं, एक ए है और दूसरी बी है। ए नॉर्थ डायरेक्शन में जो है 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और उसी के पैरेलल ट्रैक पर बी जो है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, और एक मंकी है जो ट्रेन ए के छत पर जो है ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो वो चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो उसको जमीन पर खड़ा व्यक्ति किस रफ्तार से चलता हुआ देखेगा, इसको निकालना। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, ये ट्रेन ए है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज इक्वल 15 मीटर पर सेकंड, 518 से मल्टीप्लाई कर देने पर वो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ट्रेन बी है जो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यानी 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो ये माइनस क्यों लगाया गया है। अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो साउथ डायरेक्शन को क्या होगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। ट्रेन ए की छत पर एक बंदर है जो दौड़ रहा है, बी एम इज इक्वल टू एट वी एम विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए इज इक्वल टू माइनस 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन जा रहा है इसलिए माइनस ले लिया गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहली चीज पूछी जा रही है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, माइनस 25 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, तो दिस इज इक्वल माइनस 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, यानी ए को लगे कि बी किधर जा रहा है, माइनस मतलब साउथ डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ हाउ मच, 40 मीटर पर सेकेंड। ए को लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को लगेगा कि बी जा रहा है साउथ डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें दूसरे पॉइंट में निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है, जीरो है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, बी इज इक्वल माइनस 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 12 प्लस 25 मीटर पर सेकेंड, यानी प्लस मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, यानी
ट्रेन बी में बैठा हुआ व्यक्ति ग्राउंड को किस रफ्तार से चलता हुआ देखेगा, 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और किस दिशा में, प्लस दिशा में, प्लस दिशा इधर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। यानी ट्रेन अगर साउथ डायरेक्शन में जा रही है और उसमें अगर मान ले ऑब्जर्वर मान ले कि ट्रेन नहीं चल रही है, तो उसको जमी लगेगा उसकी उल्टी दिशा में जा रही है, जैसे कि हम महसूस करते हैं ट्रेन में जाते समय, देखिए महसूस करते हैं सारी चीजें पीछे भागी चली जा रही है ना। तो अगर यह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो जमीन उसको महसूस होगी कि जमीन 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, बंदर जो है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए जो है -18 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ रहा है, तो इसको अगर जमीन पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर अगर इसको देखेगा तो इसकी रफ्तार क्या महसूस करेगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन ए इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द मंकी कितना, -5 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ ये मंकी विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, पीएम ये नहीं मालूम, ये पूछा जा रहा है। और वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, इसको इधर ला दीजिए, 15 -5 एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार आएगा। यानी जमीन पर खड़े व्यक्ति को ये 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चलता हुआ दिखाई देगा, जबकि ट्रेन में अगर बैठ करके अगर आप देखेंगे तो ये 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता हुआ महसूस होगा। और देखिए मजेदार बात ये है कि जो जमीन पर से देखेंगे तो ये प्लस डायरेक्शन में है, प्लस डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, और ट्रेन में से अगर देखेंगे तो क्या है, माइनस डायरेक्शन में, यानी साउथ डायरेक्शन में। तो दोनों ऑब्जर्वर के दिशाएं बिल्कुल उल्टी होंगी, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, मैग्नीट्यूड ये ट्रेन वाला कहेगा 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है, और बाहर वाला कहेगा 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। तो हमने तो आपको बताया ही था कि रिलेटिव मोशन जो है, मोशन की घटना रिलेटिव इन नेचर है, ठीक है, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ से देखा जा रहा है। Let's see an example. Here it says a thief is running away on a straight road at 9 meters per second and a policeman chases him on a motorcycle at 10 meters per second. If the separation between them is 100 meters, how long will it take for policeman to catch the thief? Now, the physical situation is already drawn in the figure. We can see thief is running slowly and policeman is moving fast. Certainly, he is going to catch the thief. If we consider this thief to be at rest, then we find velocity of policeman with respect to thief. Velocity of policeman with respect to thief can be written as Vp minus Vt. As it is just in one dimension, we can simply write 10 minus 9, this is 1 meters per second. So, policeman is moving at a speed of 1 meters per second with respect to thief. If it is considered to be at rest, then directly we can calculate the time to catch. Time taken to catch can be simply written as distance upon velocity. So, this will be 100 divided by 1. That will be 100 seconds. This is the answer or the time after which policeman will be able to catch the thief. In this problem, we are given that a bus is moving at 10 meters per second on a straight road and a scooterist 80 meters behind the bus is moving at 5 meters per second, wishes to overtake the bus in 100 seconds. We are required to find the acceleration required for a scooterist to do this. Obviously, as it is moving slower than bus, with the uniform speed, the separation between the two will increase, so he will not be able to overtake the bus. If he wishes to overtake the bus, he needs to accelerate his speed. Now, in this situation, we take the bus at rest or we analyze the problem in the reference frame of bus.
So we can simply write velocity of the scooter with respect to bus is, velocity of a scooter with respect to bus can be written as Vs minus Vb. We don't need to use vectors because they are in same direction. So it will be 5 minus 10, that is minus 5 meters per second. Or as seen from bus, it appears that a scooter is moving in backward direction. If we accelerate the scooter as at an acceleration A, then we can simply write in a time 100 second, he has to cover a displacement of 80 meter. So we can write, to overtake the bus, we use displacement is equals to ut plus half at square. Here we can take displacement to be 80 meters. We take a speed of scooter to be opposite to it. So this is minus 5 into 100 second is the time plus half a into 100 square. On solving this expression, we'll get 80 is equals to minus 500 plus 5000 A. On solving it, we get A is equals to 580 by 5000, or it will be 116 by 1000, or it can be given as 0.116 meter per second square, which is the answer to this question. In this example, we are given with three elephants A, B and C, which are moving along a straight line as shown with constant speeds. Here we can see A is moving at 5 meters per second, C is moving at 10 meters per second and the velocity of B is not given here. We are given that when B catches C, the separation between A and C becomes 3D and we are required to find the speed of B. In this question, as the physical situation is given, we just take this elephant C at rest. If we consider it to be at rest, then if we find velocity of B with respect to C, then velocity of B with respect to C can be simply written as Vb minus Vc. And here we don't need to use any vector because they are moving in only one dimension. So it can be written as Vb minus 10. And if we find out velocity of A with respect to C, the velocity of A with respect to C can be written as VAC, again it is VA minus VC, that can be written as 5 minus 10, that will be equals to minus 5 meters per second, that means with respect to C, A is going away from it. Now we are given that the time when B catches C, the separation between A and C becomes 3D. That means A has covered a distance D away from C in the time B catches C. So if we find out the time for B to catch C is, this can be simply given by distance upon velocity, that is D upon Vb minus 10. In this duration, we are given that A has covered a distance D away from C. So we can see the distance D covered by A is equals to 5 multiplied by the time, that is D upon Vb minus 10. On solving this, you can see this D gets cancelled out, Vb minus 10 is 5. So here Vb can be given as 15 meters per second. That is the velocity of elephant B, which is the answer to this question.